और अब उदयपुर के मालवी से बड़ी खबर, जहां मावली में मदरसे के लिए भूमि आवंटित करने का मामला सामने आया। सर्व हिंदू समाज ने की भूमि निरस्त करने की मांग। पिछली सरकार में मदरसे के लिए हुआ था भूमि आवंटन। कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने निरस्त के लिए अनुशंसा की है। वहीं हिंदू समाज के कई संगठनों ने भूमि निरस्त करने की मांग उठाई है। मावली में मदरसे के लिए भूमि आवंटन से जुड़ा मामला, जहां सर्व हिंदू समाज ने भूमि निरस्त करने की मांग की है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता धीरज रावल। धीरज, मावली में मदरसे को भूमि आवंटन से जुड़े मामले पर अब हिंदू सर्व समाज भूमि निरस्त करने की मांग कर रहा है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट इसे लेकर? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो उदयपुर जिले के मावली कस्बे के अंदर जो है वो पिछली सरकार के अंदर मदरसे को यहाँ पर 4.25 बीघा जो है भूमि जो आवंटित की गई थी, उस आवंटन को निरस्त करने के लिए आप तमाम हिंदू समाज जो है वो आज सड़कों पर उतरा और वहां पर काफी भारी तादाद के अंदर लोग जो है वो आज यहाँ पर मावली कस्बे के अंदर इकट्ठा हुए और उन्होंने एक रैली के रूप में, भव्य रैली के रूप में यहाँ पर एचएम कार्यालय पहुंचे और यहाँ पर कार्यालय पहुंचकर यहाँ पर ज्ञापन दिया गया कि पिछली सरकार के अंदर 4.25 बीघा जो जमीन है उसका जो भूमि आवंटन किया गया उसको निरस्त किया जाए। उसी को लेकर जो उदयपुर जिला कलेक्टर है उन्होंने आज यहाँ पर एक लेटर जारी किया है, संयुक्त शासन सचिव को एक लेटर लिखा है। उस लेटर के अंदर अनुशंसा की है कि वो भूमि जो है वो निरस्त की जाए, उसके अंदर तमाम जो कारण है वो यहाँ पर बताए गए हैं कि किन कारणों के वजह से भूमि निरस्त की जाए, उसको लेकर उदयपुर जिला कलेक्टर द्वारा यहाँ पर अनुशंसा जो है वो यहाँ पर सरकार को भेजी गई है। तो देखा जा रहा है कि किस प्रकार से भूमि आवंटन, मदरसे को भूमि आवंटन को लेकर के आज तमाम हिंदू समाज जो है, संगठन जो है वो यहाँ पर सड़कों पर उतरे थे और उस भूमि को निरस्त करने की यहाँ पर मांग की गई। उसी दरमियान वहां पर सीपी जोशी पहुंचे जो चित्तौड़गढ़ सांसद है और पूर्व बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि जल्द से जल्द सरकार जो है वो भूमि निरस्त करने के आदेश यहाँ पर जारी करेगी। ठीक है, तो फिलहाल मुख्य बिंदु क्या है भूमि निरस्त करने को लेकर? क्या सर्व समाज की तरफ से लेटर लिखा गया है और अभी प्रशासन का क्या लाइन ऑफ एक्शन इस पूरे मामले को लेकर? पूरी बात की जाए तो ये भूमि जो है वो नदी पेटे में बताई गई है कि ये जमीन जो है वो नदी पेटे के अंदर है और एक कोई प्रकरण चल रहा है, उस प्रकरण से जुड़ी हुई ये जमीन है। इस कारण से यहाँ पर जो है सर्व समाज जो है मदरसे की भूमि को आवंटन को लेकर यहाँ पर जो है उनका जो प्रदर्शन है वो यहाँ पर देखा गया। और अगर अधिकारी की बात की जाए, प्रशासनिक तौर की बात की जाए तो उदयपुर जिला कलेक्टर अरविंद पोसवाल ने यहाँ पर सरकार को लेटर लिख करके भूमि निरस्त करने की अनुशंसा जो है वो फिलहाल जो है वो यहाँ पर की गई। अब सरकार किस प्रकार का फैसला लेती है, भूमि आवंटन को निरस्त करती है नहीं, ये अब आने वाले समय के अंदर देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धीरज इस तमाम जानकारी के लिए। अभी प्रशासन का लाइन ऑफ एक्शन पूरी तरह से क्लियर नहीं है। सर्व हिंदू समाज ने फिलहाल भूमि निरस्त करने की मांग यहां पर की।